आप सभी साथियों को नमोदा जय भीम। आइए आप लोग को बहुत प्यारा सा सुंदर सा गीत सुनाते हैं। कहना है कि विश्व करे जिसके ज्ञान का सम्मान रे, भारत को जिसने दिया है संविधान रे। विश्व करे जिसके ज्ञान का सम्मान रे, भारत को जिसने दिया है संविधान। हक जीने का दिलाया ऊंच नीच को मिटाया, हक जीने का दिलाया ऊंच नीच को मिटाया, इंसानों की पहचान कराई। हो जयकारा जरा भीम का लगा लो भाई, जयकारा जरा भीम का लगा लो भाई, जयकारा जरा भीम का लगा लो भाई। लेकिन आगे गौर करिएगा, हो लाखों देवता लिए थे अवतार हो, आ किसी ने किया ना अपने देश का उद्धार हो, किसी ने किया ना अपने देश का उद्धार हो। लाखों देवता लिए थे अवतार हो, आ किसी ने किया ना अपने देश का उद्धार हो, किसी ने किया ना अपने देश का उद्धार हो। भीम जब से मिले हैं, ओ भीम जब से मिले हैं सबके चेहरे खिले हैं, भीम जब से मिले हैं सबके चेहरे खिले हैं, बाग की हर कली मुस्काई। हो जयकारा जरा भीम का लगा लो भाई, जयकारा जरा भीम का लगा लो भाई। क्यों लगा लो जयकारा, बहुत धमाल हुआ, सुनिए मैडम जी के द्वारा। आइए चलिए, आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। उसी का नतीजा है कि आप लोग तो पीछे पंसिल देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, क्या चीज, मन में उत्साहित होते होंगे आप लोग। लेकिन आप लोग को दिखाएंगे, हम चाहेंगे कि विशाल सर अपने मुख से, अपने मुखार बिंदु से बताए सभी। देखो ना, हम तो तुमसे कह चलिए धन्यवाद। जितने हमारे मिशन के गायक कलाकार हैं, तो गीत सुहाने भीम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, हमारे मिशन के गायक कलाकार, हमारे मिशन के गायिका कलाकार, आप सभी धर्म प्रेमियों और हमारे धर्म उपासक एवं धर्म उपासिकाएं, सभी लोगों को हम क्रांतिकारी अंबेडकर मिशन गीत गायक विशाल गाजीपुरी की तरफ से सादर नमोदा जय भीम। आप लोग, मैडम बोल रही थी कि आप लोग पीछे जो देख रहे हैं पंचशील, ये क्या है, ये पंचशील कलर क्या है, और आप लोग को जानने की ललक होगी अंदर, आप लोग जानना चाह रहे होंगे। बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आप लोग को बताने से पहले मैं दिखा दूँ कि ये गाजीपुर जिला में, यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक गाजीपुर जिला है, जिस जिले के अंतर्गत एक सुंदर सा जगह है, फेमस जगह है नुनारा बाजार। नुनारा बाजार के धरती पर हम एक स्टूडियो खोल रखे हैं, जिस स्टूडियो का नाम है जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और उस स्टूडियो का हम ओपनिंग करने जा रहे हैं 13 जून 2019 को। तो हम खास करके वीडियो आप लोग को इसलिए बनाए हैं कि आप लोग 13 जून को, यानी कि 13 जून 2019 को आप लोग जरूर आएंगे। कहाँ? नुनहरा बाजार, स्थान नुनहरा बाजार, कठवा मोड़ गाजीपुर के धरती पर आप लोग आएंगे। हम विशाल गाजीपुर सपना बोध आप लोग का इंतजार करेंगे, और हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन हमारी माताएं बहने, मतलब हमारी लड़कियां, जो भी आप लोग कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग बोलती हैं कि दीदी हम गाना चाहते हैं, तो आप लोग जो हमसे बोलती थी प्रोग्राम में, अब प्रोग्राम में नहीं बोलना है, आके सीधे यहाँ पे गाना है रिकॉर्डिंग में, यहाँ स्टूडियो में, क्योंकि आप लोग का स्टूडियो खुल गया है हमारी माताएं बहने। और जो भी गाना चाहती हैं आप लोग बिंदास खुले आवाज में गाइए, ये आपका स्टूडियो है, हमारा नहीं बल्कि आपका स्टूडियो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। और थोड़ा सा स्टूडियो खोल लो, हम चाहेंगे कि आप स्टूडियो थोड़ा सिस्टम दिखा दे। और इधर जो है कि बाबा साहब के, जो हम लोग ये अंदर का जो मूर्ति का कॉम्बिनेशन है, सॉरी जो प्रतिमा का जो कॉम्बिनेशन है बाबा साहब का, कितना सुंदर तरीके से लगाया गया है। लोग तो सरस्वती जी का लगाते हैं, लेकिन आज आप लोग देखिए कि यहाँ पे कितना सुंदर से तथागत बुद्ध जी का मूर्ति लगा हुआ है, और बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगा है, बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
और ये आपका सिस्टम है। हाँ, सब तो पुनः मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि गीत सुहाने भीम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे सभी धम्म बंधुओं से निवेदन है, हमारे सभी प्यारे मिशन के गायक मिशन के गायिका कलाकारों से निवेदन है कि आप लोग 13 जून के आएंगे। और ये स्टूडियो मैं बता दूं, कोई मैं बहुत बड़ा बनने के लिए नहीं खोला हूँ, मेरा बहुत बड़ा कोई शौक था, ये मेरे पास मजबूरी थी स्टूडियो खोलना, इसलिए कि आप लोग को पता है कि चारों तरफ मनुवादियों का स्टूडियो है और कुछ लोग अपने लोग का है तो भी मनुवादी बन के बैठे हैं, लेकिन जाने दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये आप जान लीजिए कि हम लोग जब रिकॉर्डिंग करने जाते थे तो मनुवादियों के स्टूडियो में जगह नहीं है हम लोग के लिए। पहले तो रिकॉर्डिंग हो जाया करता था, लेकिन अब जय भीम गूंज गया है, सबकी चुंडी खड़ी हो गई है, तो इसलिए लोग परेशान हैं। हम लोग साल भर से जा रहे हैं किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, अरे भैया तो भीम वाला आ गया, चलो बाद में आना, अभी कांवर गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा है, छठ गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा है, होली गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि भोजपुरी का रिकॉर्डिंग चल रहा है, कांवर गीत का रिकॉर्डिंग चल रहा है, उनके पास हमारे मिशन गीत के रिकॉर्डिंग के लिए के समय नहीं है। हम लोग जाते थे स्टूडियो से लौट के, जब आते थे बड़ा कष्ट होता था, हम लोग बोले कि बताओ जब हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे समाज में कलाकार जो भटक रहे हैं उनके साथ भी तो ऐसा होता होगा, इसीलिए हमने कहा कि एक स्टूडियो खुल जाएगा तो हम लोग अपने समाज में जो कलाकार हम लोग जब चाहे तब गाएंगे और हमारे समाज के जो कलाकार भटक रहे हैं वो लोग भी आकर के भी नाच गाएंगे, जो अपना पैसा फालतू बाहर खर्चा करते हैं अपने स्टूडियो को मजबूत करेंगे और हम स्टूडियो को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि आने वाला समय में हमारे बहुजन समाज के लोग एक बार याद करें कि हाँ भाई, गर्व करें कि हमारे समाज कोई स्टूडियो है। हाँ, और सबसे बड़ी बात आप लोग की खुशी की बात ये है कि जो हम लोग का गाना आज तक बजता रहा है आप लोग के बीच में, हमारे परम श्रद्धेय चंदन कुमार कवि जी वो भी यहीं पर रहेंगे, आप लोग के लिए गीत लिखेंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा गीत लिखेंगे, तो आप लोग बेहिचक आइए, आप लोग को गाना मिलेगा और गाने का तो स्थान है ही है, तो सबसे खुशी की बात है कि हमारे कवि जी भी यहाँ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को वॉइस रूम में थोड़ा दिखा दें, वॉइस रूम में, और हाँ यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग भी होगा, लाइव रिकॉर्डिंग के लिए जो जो आ चुका है तबले के चाटी और जो ढोलक की जो चाटी है शानदार तरीके से लगाया जाएगा, और ये जो यहाँ पे वेस्टर्न सीक्वेंस इंडियन सीक्वेंस मिला करके सुंदर सा ट्रैक बनेगा, उसके बाद लाइव रिकॉर्डिंग भी होगी, और मैं चाहता हूँ लाइव रिकॉर्ड का जो रूम है उसमें हम लोग चलते हैं। आइए, और मैं बता दूं कि ये हमारा वॉइस रूम है, मैडम थोड़ा सा माइक छोड़ दीजिए, तो उधर जी उधर उधर, हाँ ये वॉइस रूम है और ये सुंदर सा रोड का माइक है, यहाँ से हम लोग इसको इससे टच भी नहीं करना है न इसमें फूकना है, हम लोग को इस बात को ध्यान देना है, आप जब भी रिकॉर्डिंग में आएंगे करने के लिए तो इसको ऐसे नहीं करके छुएंगे ना फूकेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत जो यहाँ से लिए हम लोग बताए हैं कंडेंसर इसका जो है कि टूट खराब हो सकता है, तो आप लोग तो समझदार हैं, ये स्टूडियो आप लोग का है, आप लोग बिंदास आएँ गाए बजाएं, आप लोग का स्टूडियो हार्दिक स्वागत करता है। और मैं बता दूं पुनः आप लोगों से, ए मैडम तो इधर आइए, हाँ मैं बता दूं कि हम विशाल गाजीपुरी और परम श्रद्धेय सपना बोध जी, हम दोनों लोग आप लोग का इंतजार करेंगे, और 13 जून 2019 स्थान नुनहरा बाजार जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और हमारी माताएं बहनें आप लोग हमने वहां भी बोला था कि आप लोग बेहिचक आइए गाइए, आपका स्टूडियो है, इसी के साथ आप सभी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।